आज जो हमारे यहाँ पर स्पेशल खाने के लिए बोल रहे थे खाना बनेगा स्पेशल, तो हमारे यहाँ बनता ही है, सबके घरों में बनता है यहाँ पे। एलो रे एलो दुग्गा दुग्गा माएलो, पुछो पुछो गंधो बताशे छरालो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहा है और आज है कि नवरात्रा का जो है आज नवमी है, तो आज नवमी चल रहा है आज हमारा लास्ट। कल है दशहरा, कल रावण वगैरह, तो कल मेला वाला भी घूमता है, दिन में ही घूमता है, अभी तो यहाँ पर तो रात में घूम रहे सब। तो आज हमारे घर में कुछ स्पेशल बनता है नवमी के दिन में, तो आज हम ले गए थे मार्केट सामान लाने के लिए, तो सामान भी कुछ लेके आ गए हैं, तो चलिए दिखाते हैं क्या बनने वाला है हमारे घर पे। तो सुबह नहा धोवा करके पहले हम निकले थे बाजार गए थे, वहाँ देखिए कुछ नया वाला आलू आया हुआ बाजार में अभी, तो नया वाला आलू लेके आए, छोटा वाला आलू, और ये कुछ सब्जी भी लेके आए थे। आज जो हमारे यहाँ पर स्पेशल खाने के लिए बोल रहे थे खाना बनेगा स्पेशल, तो हमारे यहाँ बनता ही है, सबके घर में बनता है यहाँ पे। तो हमारे यहाँ आज बन रहा है खीर है और कचौड़ी है, और हम बनाने वाले आलू दम। तो ये देखिए यहाँ खीर बन के तैयार है, खीर हमारा बन चुका है और बहुत ही अच्छा है। और हमारा अभी आलू जो है उबलने के लिए चढ़ाया गया है, यहाँ पे आलू उबल रहा है अभी, और ये यहाँ पे कचौड़ी बनने वाला है। तो जब तक ये कचौड़ी बन जाएगा तब तक हमारा आलू भी उबल जाएगा, उसके बाद हम आलू दम बनाने वाले हैं। तो ऐसा होता ना कि हम लोग का त्यौहार में कभी कभी ऐसा होता है कुछ कब चढ़ता आठवीं, कब चढ़ता नौवीं, पंडित जी से सब लोग पूछ के ही करते हैं। तो सागर की मम्मी जो है आज करीब 4:30 बजे उठ गई थी, 4:30 बजे पंडित सारा चीज़ बताते हैं। तो सौरभ जो है वो भी जल्दी उठ गया था, तो उसी को लेकर सौरभ भी लेके जाता मम्मी को बाइक में करके। तो देखिए अभी तक आ वहाँ से जब से आया सुबह हमको लगता कि 8 बजे आ गया था, 8 बजे आने के बाद अभी तक सो के उठा नहीं है, अभी तक सोया हुआ वो, हालांकि उठ गया था सुबह ही है। सुबह उठ कर मम्मी को लेकर जाना बाइक से, ये करना सब पूजा पाठ वगैरह सब वही लेके जाता है। और शुभम तो खैर है नहीं, अभी नहाने गया हुआ ऊपर में, तो ऊपर छत में ही बाथरूम में ही सब नहाते हम लोग। अभी देखिए लगता है पूड़ी बनना तैयार हो गया है, ये आलू हो गया, गैस वगैरह सब बंद हो चुका है, लगता है आलू हो चुका है, अब आलू को छीलेंगे और तब तक इधर अपना पूड़ी बन जाएगा। दोस्तों हमारा पूड़ी तो छन चुका है और आलू भी ठंडा हो गया इसका पानी, अब हम आलू भी छील रहे हैं, अब देख सकते हैं प्याज वगैरह सब कट रहा है, सब अपना काम में लगा हुआ है। तो अब बर्तन कम पड़ा, सुबह में देखिए बर्तन धोकर रेडी कर रहा है, अभी बर्तन सब धो रहा है अभी, और धो धा करके वो फिर देगा हमको थाली, यहाँ प्याज वज रखेंगे उसमें। तो बर्तन का काम जो है सुबह ही करता है, अब प्याज भी रखना है उसमें, और अभी लहसुन नहीं हुआ है, अभी सुबह में आएगा बर्तन धोकर तो लहसुन भी छिलेगा अभी, तब तक आलू वगैरह छील लेते अभी हम। और कढ़ाई अभी ठंडा हो रहा है क्योंकि पूड़ी जो छना ना, तो उसके लिए कढ़ाई थोड़ा गर्म था, उसका तेल भी कम करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसमें से। सागर इतना प्याज और काट दिया है, प्याज मिर्चा अदरक और बाकी सब भी काम अभी बाकी है, अभी सब धीरे धीरे होगा। थोड़ा आलू छोटा आलू लिए हम जान करके, तो आलू दम में क्या है कि छोटा आलू जो है ना अच्छा लगता है, बड़ा वाला आलू जो है अच्छा नहीं लगता, वो छोटा आलू अभी नया वाला आया हुआ है। सब्जी तो भाई बहुत महंगा अभी चल रहा है, कोई भी चीज़ लेने जाओ तो 60 रुपया 70 रुपया यही चल रहा रेट है। दोस्तों कल तो ये मेला घूमने गया था ये लोग, और लोकल में ही घूम लिया यहाँ पर, अच्छा है मैंने ज़्यादा कल भी ज़्यादा भीड़ तो था ही, कल भी आज भी भीड़ होता है, मेन भीड़ आज रात में होता है। तो आज जा रहा है ना तू, आज जाएगा? कल घूम लिया, आज नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, लेकिन पक्का है कि सौरभ तो जाएगा ही, उसका दोस्त यार साथ में वो जाता ही है घूमने के लिए। अब पहले जब हम गाड़ी लेकर बाहर रहा करते थे तो ये सब बहुत टेंशन मेरा दिमाग में भी चलता था कि कैसे घूमेगा, क्या होगा, टेम्पू करना है, अपना टेम्पू सब जाता था, ये लोग कॉलोनी वाला सब मिल करके, सब कॉलोनी वाला मिल करके टेम्पू करता था और सब घूमने जाता था। तो ये सब चीज़ हमको बाहर से खाली रिपोर्ट मिला था हमको कि हाँ टेम्पू हो गया है, कॉलोनी वाला सब मिल करके हम लोग सब जा रहे हैं। तो शुभम तो खैर छोटा था, इसको पकड़ रखना पड़ता था, अब तो इसको पकड़ने की जरूरत नहीं है अब इसको। और ये चीज़ कि जो बड़ा बड़ा मेला में जो बड़ा बड़ा चक्री उकरी रहता है उसमें नहीं चढ़ता है, मेरे ख्याल से हम तो इसको देखे नहीं कभी, चढ़ा है कभी उसमें? चढ़ा है, डर नहीं लगता है, लेकिन ये और सागर डरता है। अच्छा सागर भी डरता है, सौरभ बड़ा वाला में अकेले बढ़ जाता है। देखिए सौरभ जो है ना उसमें एक बार बढ़ता है, दो तीन बार झूलता था, उतरता। सौरभ जो थोड़ा हुरमुट है वो थोड़ा कोई भी चीज को देखता है वो कि नहीं इसमें घूमना चाहिए, कोई भी चीज आया तो उसको देखना चाहिए, वो थोड़ा सा लता ही दे देगा। अभी सो रहा है, इसका मतलब है कि आज रात में निकलने वाला हो, कहीं घूमने जाएगा पक्का हो। तो हम लोग का देखिए लहसुन का काम अभी हो रहा है, लहसुन छील रहा है सुबह में, अभी लहसुन बढ़िया छीलता है, मतलब एक भी बर्तन धोना लहसुन छीलना दो काम इसका है, बर्तन धोना लहसुन छीलना। लहसुन देखिए चाकू से कितना बढ़िया छीलता है, और सागर लोग को देखना छिलका छोड़ देगा उसमें, और ये नहीं छोड़ता छिलका, ये भी चीज़ अच्छा ही है इसमें।
तो सब दो चार काम है, सबका काम बटा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों हमारा सारा वैरायटी कट के रेडी है, देख सकते हैं, प्याज है, अदरक है, लहसुन है, धनिया पत्ता, टमाटर, तेजपत्ता, और आलू भी हम सब छील चुके थे, और छीलने के बाद इसको हम मसाला में डाल दिए हैं, मसाला लपेट के रखे हैं, और कढ़ाई हमारा अभी चढ़ा हुआ है, कढ़ाई हमारा खाली हो गया है। अब इसको आलू को पहले फ्राई करके निकालेंगे, उसके बाद फिर तरी बनाएंगे, फिर आलू उसमें डालेंगे। तो अभी सौरभ भी उठ गया सो करके, अभी सौरभ उठ सो के उठा अभी। दोस्तों अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, देखिए हम आलू जा रहे हैं फ्राई करके निकालने के लिए, पहले थोड़ा गर्म तो हो गया है, इसको अच्छी तरह से अभी थोड़ा सा भून के निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर मसाला के साथ अगर भूनते हैं ना तो ये टूटने का डर है, पूरा टूट जाएगा फिर। ये देखिए ज़्यादा नहीं है, हल्का ही है, इसलिए पहले थोड़ा इसमें मसाला वगैरह डाल दिए थे, थोड़ा बहुत हो जाएगा, निकाल लेंगे। फिर अपना देखिए मसाला भी तैयार, इधर मसाला का भी सारा वैरायटी तैयार है, जब प्याज व्याज भुन जाएगा तब मसाला डालेंगे। दोस्तों मेरा आलू तो फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, देख सकते हैं, अब हम इसको निकालने वाले हैं। अब इसको निकालते हैं, पहले थाली में ही निकालते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद नहीं होगा तो फिर कढ़ाई को पलट के भी निकाल सकते हैं, इसमें टेढ़ा कर देंगे तो आ जाएगा सारा चीज़। अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है, सबसे पहला आइटम जीरा डालो, डाल दो हाँ, थोड़ा सा और हल्का सा, और ये जीरा और ये तेजपत्ता, अब ये लहसुन। मेरा प्याज अभी हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालने वाले हैं, हमारा मसाला भी तैयार है, ये देखिए अब इसको डालेंगे। सारा मसाला वगैरह डल गया, अब लास्ट आइटम है टमाटर इसका, और ये धनिया पत्ता भी रखे हैं, तो ये तो सबसे लास्ट में डलेगा, जब सब्जी मेरा बन जाएगा तब। ये देखिए टमाटर भी डाल दे रहे हैं, टमाटर भी गलेगा इसमें। मेन मसाला को ही है भूनना, ये जितना अच्छी तरह से भुंजाएगा ना उतना ही मज़ा आता है खाने में। तो ये देखिए मसाला कच्चा रहने से मज़ा नहीं आता, फिर अभी टमाटर भी पूरा गल जाएगा इसमें और मसाला भी भूनता रहेगा इसमें। मेरा तरी अभी बन चुका है, ये देखिए पूरा शानदार तरी बन गया मेरा, अब जा रहे हैं इसमें आलू डालने के लिए। आलू तो तल के निकाल लेते पहले ही हम, ये आलू डालते हैं इसमें, इसको चला चला के डालना है। लगभग मेरा आलू दम जो है बन के तैयार है, इसका लास्ट आइटम है जो धनिया पत्ता रखे हैं काट करके, अभी तभी डाल रहे हैं, थोड़ा इसको ढबकने देते हैं उसके बाद। दोस्तों हम लोग खाना बन चुका है, अब देखिए हम लोग तीनों बैठे खाने के लिए, सौरभ भी है और शुभम भी है, तो आप लोग सबका थाली में देख रहे हैं, इसका थाली में कुछ चेंजिंग है, क्या नहीं है तो ये खीर नहीं है, मीठा मतलब एकदम नहीं खाता ये, पता नहीं इसको कोई कुछ बोला है क्या, मीठा है, बोला है हमको पसंद नहीं, मीठा पसंद नहीं है, इसलिए गाड़ी में मेरे लिए जिले भी ले जाता है और खुद नहीं खाता है और ज़्यादा लेके आया जाता है। तो चलिए अब हम लोग खाना खाए, बताओ खाकर कैसा लग रहा आलू दम। तो दोस्तों अच्छा बना ये आलू दम, लग रहा है कि हाँ सच में आलू में दम है। अच्छा आलू में दम है। कभी कभी मौका मिलता है हमको, त्योहारों में रहते हैं तो थोड़ा सा अलग चीज़ बना देते हैं, ऐसे तो खाता ही है घर में, तो आज देखिए बनाए हैं आलू दम और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुबह को पसंद आ रहा है। और आज से हम लोग का क्या है ना कि जैसे लहसुन प्याज वगैरह सब बंद था तो वो सब भी चालू हो गया है, आज से हम लोग खा सकते हैं, तो इसमें थोड़ा डाले हैं प्याज लहसुन वगैरह डाले इसमें सब यूज किए हैं, तो आज से हमारा चालू हो गया खाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों अभी खाना खाते हैं। दोस्तों खाना वगैरह हो चुका था हमारा, और खाना खा के थोड़ा लेटे हुए थे हम, तो हमारे कुछ सब्सक्राइब आए, ये बच्चा है कहाँ से है बाबू? रांची रोड से। रांची रोड से तुम मेरा दोनों भाई है कि क्या है? जुड़वा भाई। जुड़ो, अरे यार तुम लोग जुड़वा है, अच्छा चलो बहुत अच्छा। 3 मिनट का बड़ा कौन है? तुम 3 मिनट का बड़ा है, चलो बहुत अच्छा। आज हमारे ऐसे तो रास्ते में तो कई बार मतलब जुड़वा लोगों से मुलाकात हुआ भी है, लेकिन रामगढ़ में पहली बार हमको मिला कि जुड़वा बच्चों से। क्या क्या नाम है? लवकुश। वाह वाह वाह, नाम भी बहुत अच्छा है। तो कितना भाई बहन है तुम लोग? हम लोग तीन है। तीन है, एक बहन और हम लोग। अच्छा एक बहन है, चलो बहुत अच्छा। देखिए आज अभी नवरात्रि के समय में देखिए हमारे यहाँ लवकुश आया हुआ हमसे मिलने के लिए, बहुत अच्छा लगा बाबू, चलो थैंक यू, चलो बाबू। শিউলি ফুলের গন্ধ মেখে মেঘ পাখিদের সঙ্গে উড়ে মনটা শরৎ হতে চায়, তালে তালে ঢাক বাজে মাইকে শানাই বাজে বাচ্চারা চেঁচিয়ে বলে পুজো এসে গেছে, ঘরে ঘরে শাক বাজে ডোরে আলপনা সাজে মেয়েদের শাড়ির রঙে পুজো।
जो एशे गचे एलो रे एलो दुग्गा दुग्गा माएलो पुजो पुजो गंधो बाताशे छरालो एलो रे एलो दुग्गा दुग्गा माएलो आनंदो उल्लासे गान गाई चलो एलो रे एलो दुग्गा दुग्गा माएलो पुजो पुजो गंधो बाताशे छरालो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है। तो आज तो विजयदशमी है, तो सबसे पहले तो आप सभी को, जितने भी हमारे हमसे बड़े हैं, सबको प्रणाम जोहार। क्यों आज से हमारा जो है, हमारा जो पुराना जो चलते आ रहा है कि आज से हम लोग बड़े को सबको प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो आज हमको विजय यात्रा बोलते हैं हम लोग, आज के दिन को तो विजय यात्रा बोलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ पे सब चलता है, तो आप सभी को ढेर सारी विजय यात्रा की शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों, कल तो हम गए थे घूमने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन बाद पूरा घूमे हम यहाँ पे और बहुत ही मतलब एकदम निश्चित होके घूमे हम, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। कल बहुत सा जितने पंडाल थे, घुटुआ वगैरह सब हम घूमे हैं, कहीं भी बाकी नहीं था। हर जगह के झांकी भी देखे। रात को करीब हम 1 बजे वापस आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सालों के बाद हम फ्री माइंड में होकर के आज हम घूमे हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है कि आज कल हो जा रहा संडे के बाद है कि फिर अपना ट्रांसपोर्ट लाइन खुल जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में अपना बातचीत चालू हो जाएगा, कहाँ का लोडिंग है क्या है सब चीज़ करना चालू हो जाएगा। अभी तो क्या छुट्टी ही चल रहा है अभी, लेकिन संडे के बाद तो चालू हो जाएगा हमारा ट्रांसपोर्टिंग। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हमारा आगे का सफर कहाँ होने वाला है और कहाँ का हम लोग का माल लोड होगा यहाँ से। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।